हेलो प्रेप मेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की। ये जो चैप्टर है इसको भी हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर हम एक करंट एलिमेंट की वजह से या करंट कैरिंग वायर की वजह से या लूप की वजह से या सोलेनोइड वगैरह जितने भी करंट के एलिमेंट्स हैं उनकी वजह से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। यानी कि यहाँ पे करंट हमारा कॉज होगा और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इफेक्ट होगा। तो करंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज मूव कर रहा हो या करंट कैरिंग वायर रखा हुआ हो या पूरी की पूरी कॉइल रखी हुई हो तो उसके ऊपर किस तरीके से फोर्स लगेगा, किस तरीके से टॉर्क लगेगा और हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं ये दोनों के दोनों वीडियोस। मैं अगर ईमानदारी से कहूं तो पूरी की पूरी 11th और 12th की फिजिक्स में शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो बहुत मजा आने वाला है। अपन शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की बिना किसी देरी के। और आज के वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको एज अ हथियार काम आने वाली है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो केवल और केवल एक पेज के अंदर समेट के रखी जा सकती है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस पेज के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एप्लीकेबल होंगे। और इसी को हम प्रूव करेंगे हमारे इस वीडियो के अगले हाफ सेशन के अंदर, जहां पर हम क्वेश्चंस के थ्रू चेक करेंगे कि क्या वाकई हमने जो पढ़ा है वो सफिशियंट है नीट के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। शुरुआत होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। इसको आप बायो सावर्ट लॉ के नाम से भी जानते हो, राइट। इसमें क्या होता है, आपको कैसा भी वायर दिया जा सकता है, आपको वायर से कोई लेना देना नहीं है, आपको तो उसके एक छोटे से टुकड़े से लेना देना है। जैसे यहां पे मैंने डीएल लेंथ का एक टुकड़ा उठा लिया, इसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। अब इस टुकड़े की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। अभी जो मैंने बोला ना इस पॉइंट के ऊपर, अब इस पॉइंट की परिभाषा क्या है, इसको अपनों को लोकेट करना पड़ेगा ना। तो इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी। पहला तो कि ये इस डीएल एलिमेंट से कितने एंगल के ऊपर रखा हुआ है, राइट। और फिर कितनी डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ। अगर आप थीटा और आर की वैल्यू दे दोगे तो आप आसानी से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो। अदरवाइज केवल और केवल आप डिस्टेंस देते तो मैं तो आर डिस्टेंस के ऊपर यहां भी जा सकता था, यहां भी जा सकता था, यहां भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, तो मुझे एंगल भी फिक्स करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इस वायर की वजह से क्या क्या दे दिया आपको, एक पॉइंट दे दिया जिसकी डीएल एलिमेंट से एंगल कितना बन रहा है पोजिशन वैक्टर का, और पोजिशन वैक्टर में यानी कि उसका मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की। तो उस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला शायद आपके काम ना आए नीट के क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इंटीग्रेशंस का यूज करते हुए जो आगे आने वाले रिजल्ट्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। बट फिर भी मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया है आपको, क्योंकि कई बार इस बेसिक फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जो आई डी एल साइन थीटा है, राइट, ये बेसिकली क्या हो रहा है, एक तरीके से आई तो वैसे स्केलर क्वांटिटी है बट आई की जो डायरेक्शन है उसको ही अपन डीएल की डायरेक्शन लेते हैं। मैंने बोला ना करंट ऊपर जा रही है तो डीएल की डायरेक्शन भी ऊपर ले लेंगे अपन। तो बेसिकली जब आप इसको देखोगे तो ये डी एल साइन थीटा जो है वो डी एल क्रॉस आर कैप के इक्वल दिखाई देगा, मतलब उसकी वेक्टर फॉर्म भी होती है, बट उस वेक्टर फॉर्म को हम क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे केवल और केवल हमें इतना ध्यान में रखना है, राइट। तो ये फॉर्मूला एक तरीके से आपकी शुरुआत होगी जिसको आपको संभाल के रखना है, सहेज के रखना है, राइट। काम नहीं आएगा बट फिर भी हो सकता है इस फॉर्मूले को डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसका यूज करते हुए आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और ये फाइनाइट लेंथ का वायर है। तो फाइनाइट लेंथ का वायर दे रखा है, करंट आई फ्लो हो रखी है, पॉइंट ये है जिसपे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगेन इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक तो आपको इस वायर से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी देनी पड़ेगी, राइट, और एक ये ऊपर वाले सिरे को मिलाने पर कितना एंगल बना रहा है और ये नीचे वाले सिरे को एंड को मिलाने पर कितना एंगल बना रहा है, यानी कि थीटा वन और थीटा टू अगर आप दे दोगे
इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको तीन चीजें देनी पड़ेगी, थीटा वन देना पड़ेगा, थीटा टू देना पड़ेगा और वायर से इस पॉइंट की जो नॉर्मल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो आपको देनी पड़ेगी। तो इन तीन चीजों को अगर आपने पा लिया क्वेश्चन के अंदर, तो आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई टाइम्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर टाइम्स साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू। राइट, ध्यान देना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ साथ, जिसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम हमारे राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा वायर स्ट्रेट है तो हम अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं और कर्ल ऑफ फिंगर यानी कि उंगलियों का जो मुड़ना है वो हमें बता देता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर होगी। जैसे यहां पे मैंने करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखा तो इस पॉइंट के ऊपर जो मेरी उंगलियां हैं वो मुड़ के ये कहना चाह रही है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जाते हुए होनी चाहिए। उसी को क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे भी वही वाली बात थी, करंट की डायरेक्शन में रखा तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थंब रूल यूज होगा, अगर वायर स्ट्रेट है तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और उंगलियों का कर्ल बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वायर आपका सर्कुलर है, लूप की फॉर्म में है, तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियों का कर्ल और अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अपन इसकी भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे साथ के साथ में। राइट, ये फॉर्मूला हो गया, डायरेक्शन निकालनी आगे, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। राइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। अब अगर आपका वायर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट पे आप खड़े हो और आपके सामने एक वायर रखा हुआ है, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को लोकेट करके थीटा वन की वैल्यू निकालनी थी। थीटा वन कैसे निकालते थे, आप जहां से खड़े हो वहां से इस वायर के सबसे ऊपर वाले एंड को देखोगे। अब ऊपर वाला एंड तो जाते जा रहा है, जाते जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो आपकी गर्दन मुड़ती जाएगी और अल्टीमेटली जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सेम कहानी नीचे के लिए भी होगी। तो ये ऊपर भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है आपके पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यानी कि इस पॉइंट के लिए थीटा वन भी 90 हो जाएगा, थीटा टू भी 90 हो जाएगा, दोनों जगह 90 रखोगे तो 1+1 2 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। डायरेक्शन तो आप निकाल ही लोगे, करंट ऊपर है तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, क्रॉस डायरेक्शन के अंदर होगी। राइट, अगर वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है बट पॉइंट के रेस्पेक्ट में केवल और केवल एक ही तरफ वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है। राइट, और जो पॉइंट है वो दूसरे वाले एंड के जस्ट सामने है, तो उस कंडीशन में केवल और केवल एक ही एंगल 90 होगा, दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो 90 रखोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। तो ये दोनों रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट ध्यान में रख लेने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये यूज आते रहते हैं डायरेक्ट, और दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। पॉइंट अगर ऐसा हो जिसके रेस्पेक्ट में वायर दोनों तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा हो तो अपॉन 2πd, और पॉइंट अगर ऐसा हो जिसके रेस्पेक्ट में वायर केवल और केवल एक ही तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा हो तो अपॉन 4πd। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, सर्कुलर लूप है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया, तो उस टुकड़े को अपन कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है। तो या तो आपको आर्क लेंथ दे दी जाएगी, ठीक है, या फिर आपको ये एंगल दे दिया जाएगा। तो अपन एंगल की फॉर्म में ध्यान रख लेते हैं क्योंकि एंगल को आर्क लेंथ में तो कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स करंट डिवाइडेड बाय 4π टाइम्स रेडियस टाइम्स एंगल मेड बाय द आर्क ऑन द सेंटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पे आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि इस लूप की वजह से इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो लूप भी तो एक आर्क ही है और वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाता है, 2π। अल्फा की जगह 2π रख देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब लूप के अंदर हो सकता है बहुत सारे टर्न हो, n टर्न्स हो, तो आप उसको n से मल्टीप्लाई कर देना, तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट n i अपॉन 2r। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो वो इसकी डेरिवेशन जरूर करके चले जाना। राइट, क्योंकि ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। खैर, नीट के लिए हमें केवल और केवल फॉर्मूला और कंडीशन ध्यान में रखनी है। लूप है और लूप के एक्सिस के ऊपर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट कुछ ऐसा कैसा ही फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी फाइंड आउट किया था। राइट, तो आपको दोनों फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फॉर्मूला हो जाएगा आपका म्यू नॉट
नंबर ऑफ टर्न्स n टाइम्स करंट टाइम्स रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर पावर 3/2। इसको ध्यान में रखना, राइट। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि जब x जीरो होगा यानी कि सेंटर पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, राइट। फिर उसके बाद में आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती चली जाएगी, पहले वो कॉन्वेक्स होगा ग्राफ और फिर एक पॉइंट के बाद में वो कैसा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। अभी कॉन्वेक्स से कॉनकेव पर जहां पर टर्न मारेगा ग्राफ उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो कहां पर निकलेगा, आर बाय टू पर। कैसे फाइंड आउट करोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ध्यान रख लो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर आपका डबल डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट याद हो, और नहीं याद हो तो मैं जोर डालना चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ सोचो। मैंने मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट में बताया था कि हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं और उन पॉइंट्स पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा होता है, पॉजिटिव आती है तो मिनिमा होता है। और सोचो जीरो आ जाए तो क्या होगा, जीरो आ जाए तो फिर वो पॉइंट क्या कहलाता है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, वहां पर ये चमत्कार होता हुआ नजर आता है और इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कई बार ये जो चीज है ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये सॉरी की सारी चीजें हमको पता है, राइट। अब अपन चलते हैं हमारे एक और लॉ के ऊपर, इट इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये कुछ कुछ गॉज थ्योरम से मिलता जुलता है। इसके अकॉर्डिंग आपको एक हाइपोथेटिकल क्लोज्ड लूप लेना होता है, ठीक है। अगर दिया हुआ हो तो ठीक है, नहीं दिया हुआ हो तो आप ले लो। तो उस लूप के अराउंड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड का लूप के लेंथ के अलोंग इंटीग्रेशन, इसकी जो वैल्यू होती है, लूप जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, ध्यान रखना, इसकी जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, या फिर टोटल करंट पेनिट्रेटिंग द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप के इक्वल होगी, राइट। अगेन ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो सकता है, हमें यूज करने की जरूरत कभी भी ना पड़े नीट के एग्जाम के अंदर, बट इसके ऊपर बेस्ड जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहले आप देखोगे थिक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अभी तक हम जितने भी वायर कंसिडर कर रहे थे वो बहुत ही थिन थे और जिस पॉइंट की बात कर रहे थे वो वायर से बाहर था। अगर थिक वायर है तो उस वायर के अंदर कोई पॉइंट अगर आप लोगे तो उस पॉइंट के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तब आपको ये एम्पियर्स लॉ लगाना पड़ेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक हाइपोथेटिकल लूप लेना पड़ेगा उस पॉइंट के अलोंग, और उस हाइपोथेटिकल लूप से बने हुए एरिया को पेनिट्रेट करने वाली करंट निकालनी पड़ेगी। इसमें हो सकता है आपको करंट को एरिया से डिवाइड करना पड़ जाए और आपके रिक्वायर्ड एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, राइट। ये अप्रोच काम में आ सकती है और फिर उसको आप इस एम्पियर्स लॉ वाले रूल के अंदर यूज करोगे और फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहेगा। और वो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, वो कहेगा कि वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसका फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, तो अंदर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर आपने देखा था डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती थी। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका, अंदर तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस चीज के ऊपर, आपको ये ध्यान रखना है, राइट। सोलेनोइड, सबको पता होगा सोलेनोइड कैसी होती है, एक सिलेंड्रिकल बेस होता है और उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स इस तरीके से वाउंड करके जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, अपन सोलेनोइड बोलते हैं। सोलेनोइड के अंदर जैसे करंट फ्लो करते हो तो सोलेनोइड के बाहर वाला जो हिस्सा है उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नेग्लिजिबल होती है, बट सोलेनोइड के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट टाइम्स एन टाइम्स आई। बट ये सारा का सारा काम एक आइडियल सोलेनोइड के लिए होता है जिसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा मानी जाती है उसकी रेडियस के कंपैरिजन में, इन्फिनिटी मानी जाती है, राइट। अगर आप एक फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड लोगे तो फिर आपका फॉर्मूला जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल एन आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा 1 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा 2। ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, जैसे यहाँ पे अपनों ने एंगल बनाए थे ना, एक एंड को मिलाया तो थीटा 1, दूसरे को मिलाया तो थीटा 2, वैसे ये थीटा 1 और थीटा 2 दो एंगल है। यहां पर बस डिफरेंस इतना है कि थीटा 1 और थीटा 2 सेम ऑरिएंटेशन के अंदर मेजर किए जाते हैं। किसके अंदर मेजर किए जाते हैं, सेम ऑरिएंटेशन। जैसे यहां पे तो क्या है, एक एंगल हम
क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, वहां पे अपनों को सेम ऑरिएंटेशन के अंदर मेजर करना है। अपन क्वेश्चंस के अंदर डील करेंगे इसके साथ, राइट। बट अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑल्दो इसके ऊपर भी नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए इसके चांसेस कम है। स्मॉल एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लूप डेंसिटी। ठीक है, तो सोलिनॉइड के लिए कभी भी नंबर ऑफ लूप्स नहीं दिए जाते, नॉर्मली लूप डेंसिटी दी जाती है, खासकर इनफाइनाइट लेंथ की सोलिनॉइड के लिए, क्योंकि उसकी लेंथ इनफाइनाइट है ना, तो नंबर ऑफ लूप्स भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, राइट। इसलिए ये ज्यादा रिलेवेंट है। टॉरॉइड, अगर आप सोलिनॉइड को ही घुमा के एक टायर की फॉर्म में मोल्ड कर दोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो टॉरॉइड कहलाएगी। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अगेन फॉर्मूला तो म्यू नॉट स्मॉल एन आई के इक्वल होता है, स्मॉल एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 2πr, मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2πr हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो है वो सिमिलर ही है, आप ध्यान रख सकते हो, राइट। बस इतनी सी चीजें चाहिए आपको। ये जो एक पेज है, मैं साइड में हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जब हम क्वेश्चंस करें तब इसको साथ में रखना बिल्कुल एकदम ठीक है ना। वैसे तो आपको ये फॉर्मूलाज ध्यान रह जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। इतनी सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप बहुत ही ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं ताकि इस बात को प्रूव किया जा सके। पहला क्वेश्चन है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए कैरीज अ करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी व्हिच इज वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हमें फाइंड आउट करनी है, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तीन वायर हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। जब आपका पॉइंट खुद वायर के ऊपर ही होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, राइट। ये फैक्ट जो है अपनों ने पिछली स्लाइड के अंदर कवर नहीं किया था, बट इसको ध्यान रखना, आपका जो पॉइंट है अगर वो खुद वायर के ऊपर ही आ जाता है, थिन वायर की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके ऊपर उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, इस वाले वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकलेगी, इसकी वजह से निकलेगी। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी और ये दोनों एंगल चाहिए होंगे। अभी एंगल तो सबको पता है ना, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। तो अब हम फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार हैं, हमें बस केवल और केवल डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस भी आपको शायद निकालना आती होगी। अगर इसकी एक साइड ए है, ठीक है, तो ये ए है और इसका 30 डिग्री पर आपको कंपोनेंट लेना है, तो कितना हो जाएगा, ए कॉस 30। ये जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ए कॉस 30 डिग्री हो जाएगी। और ए कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कॉस 30 का मतलब होता है √3/2, तो √3a/2 हो जाएगा। कर सकते हैं अपन आसानी से, अगर ये डिस्टेंस a है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए, a cos 30, और उसकी वैल्यू आ जाएगी √3a/2। यहां तक की बात आगे समझ में, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कहता है अपनों को म्यू नॉट टाइम्स करंट i डिवाइडेड बाय 4π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, √3a/2, साइन थीटा 1 यानी कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। चलो इसको तो सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π √3 टाइम्स ए। साइन 30 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 और 1/2 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2√3πa। अब आप देखोगे यार, ऑप्शन नंबर 1 में भी यही आंसर है और ऑप्शन नंबर 2 में भी यही आंसर है, डिफरेंस है किसका, इसका। तो जल्दीबाजी मत करना आंसर पिक करने के अंदर, हमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, हम करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे और पॉइंट की तरफ अपनी उंगलियों को ले जाके कर्ल करने की कोशिश करेंगे। तो उंगलियां में कहना चाहेगी कि यार अंगूठे को इस डायरेक्शन में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड से बाहर आते हुए होनी चाहिए। बाहर आता हुआ वेक्टर क्या कहलाता है, डॉट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। कर सकते हैं आसानी से, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो थोड़ी ज्योमेट्री काम आ रही है, ठीक है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है, तो मिक्स किए जा सकते हैं क्वेश्चन, बट आपके लिए कोई डिफिकल्ट बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने
अभी अभी तो पढ़ी है, कुछ 15-20 दिन पहले सारी चीजें पढ़ी है, राइट। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू अ गिवन सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज, राइट। तो एक वायर ये है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, क्रॉस डायरेक्शन में होगी। अंगूठा रखा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को पी की तरफ रख के मोड़ने की कोशिश करी, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस डायरेक्शन में होगी। ऐसे इसकी वजह से अंगूठा रखा मैंने करंट की डायरेक्शन में और पी पर रखकर मोड़ने की कोशिश करी, तो इसकी वजह से भी किस डायरेक्शन में होगी, क्रॉस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए ऐड हो जाएंगे, सिंपली ऐड करना है, तो एक की वजह से निकाल देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, राइट। अब देखो, अब हमें क्या करना है, बेसिकली इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हमने देखा कि सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए होगी, ये डिस्टेंस चाहिए होगी, राइट। इस डिस्टेंस को सबसे पहले निपटा लेते हैं। तो ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए, आर साइन 45 डिग्री हो जानी चाहिए, यानी कि आर डिवाइडेड बाय रूट टू हो जानी चाहिए। ये तो कर लोगे, ज्योमेट्री वाला पोर्शन तो हो जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देख रहे हो कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो गया, यानी कि थीटा वन तो हो जाएगा कितना, 90, और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो 45 एंगल ये है, तो ये एंगल भी कितना हो जाना चाहिए, 45, तो थीटा टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। सेम कहानी दूसरे वाले वायर की वजह से भी होगी, तो अपन एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट करंट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, डिस्टेंस कितनी है, आर डिवाइडेड बाय रूट टू टाइम्स साइन 90 प्लस साइन 45। अब देखो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R divided by root 2. Sin 90 की वैल्यू होती है 1 और sin 45 की वैल्यू होती है 1 by root 2. LCM लेंगे तो ये बच जाएगा root 2 plus 1 divided by root 2. इस root 2 से ये root 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर नजर आता है mu not I upon 4 pi R times root 2 plus 1. ध्यान देना, ये एक वायर की वजह से है। आंसर लगाने में कभी भी जल्दीबाजी मत करना है इस चैप्टर के रिवीजन में, ये एक वायर की वजह से, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसकी डबल हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डबल कर देते हैं। डबल करने का मतलब है 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर टाइम्स रूट 2 प्लस 1, और किस डायरेक्शन में थी, क्रॉस डायरेक्शन के अंदर थी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो आराम आराम से करना, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस ये छोटी छोटी गलतियां ना हो जाए, आपसे इतना ध्यान रखना। स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए इज मेड बाय अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स वर्टेक्स पी, अगेन इस वर्टेक्स के ऊपर हमें पूछी गई है, तो इस वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इस वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, केवल और केवल इसकी वजह से होगी और इसकी वजह से होगी। तो एक वायर की वजह से निकाल लेते हैं, इसकी वजह से भी डॉट डायरेक्शन के अंदर अंगूठा रखा बाहर आ रही है, और इसकी वजह से भी डॉट डायरेक्शन के अंदर अंगूठा करंट के डायरेक्शन में रखा, उंगलियां कह रही है कि बाहर आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो डॉट वाला आंसर सही होगा, होगा कितना वो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो एक वायर की वजह से निकाल लेते हैं, तो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट, करंट हो जाएगा आई 4 पाई, इस वायर से पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो आप इससे इसको मिलाओगे तो एक एंगल तो कितना हो जाएगा, 0, और इससे जब इस सिरे को मिलाओगे तो जो दूसरा एंगल है वो कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री हो जाएगा। बस ये ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो है उसमें आपको दिमाग लगाना है। तो एक एंगल तो हो गया आपका साइन 0 डिग्री और एक हो गया साइन 45 डिग्री। साइन 0 का मतलब तो 0 होता है और साइन 45 का मतलब होता है 1 बाय रूट 2, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई a टाइम्स रूट 2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपनों को इसको डबल करना पड़ेगा, जैसे डबल करेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, फाइनल आंसर आना चाहिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 रूट 2 पाई a, और फाइनली किस डायरेक्शन के अंदर, डॉट डायरेक्शन के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए।
ठीक है, बहुत आसान लग रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन, और आज तक केवल उनके लिए क्वेश्चन आपको डराते थे, मतलब ये भयानक से दिखते हैं, इनके ऑप्शन वगैरह देख के लगता है कि पता नहीं कौन सी किस लेवल की जो मैथमेटिक्स है वो यूज करनी पड़ेगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री के रूल्स आने चाहिए आपको, फॉर्मूलाज बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स व्हिच इज फॉर्मड बाय वायर विच कैरीज करंट आई एंड साइड ऑफ पॉलीगन इज ए इज। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर आपका पॉलीगन ट्राइंगल होता है तो सेंटर के ऊपर तीन एंगल्स बनते हैं तीनों वायर की वजह से। ठीक है, ये 120 डिग्री होता है, ये वाला भी 120 होता है, और ये वाला भी कितना होता है 120 डिग्री होता है। जब आप स्क्वायर ले लेते हो, रेगुलर पॉलीगन लेना है, तो फिर चार एंगल बनते हैं, ये वाली साइड बनाती है, ये वाली साइड बनाती है, ये बनाती है, ये बनाती है, और चारों एंगल कितने हो जाते हैं 90 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो अगर मैं इस एनालॉजी को आगे बढ़ाऊं तो एन साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन के अंदर कितने वायर्स होंगे, एन वायर्स होंगे, हर वायर सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगा, तो 360 डिग्री को आप किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। यहां पे 360 को 3 से डिवाइड किया था इसलिए 120 आया था, यहाँ पे 360 को 4 से डिवाइड किया था इसलिए 90 आया था। और डिग्रीज के अंदर हम मेजर करते नहीं है एंगल को, ऐसा यूनिट क्या है, रेडियंस। तो 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय एन। तो कुछ हालत ऐसी हो रही होगी आपकी, ये आपकी साइड है और इसकी वजह से सेंटर के ऊपर जो टोटल एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा 2 पाई अपॉन एन। बट हमें तो टोटल एंगल नहीं चाहिए होता, हमें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है और ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल चाहिए होता है, तो ऊपर वाला एंगल हो जाएगा आधा पाई बाय एन और नीचे वाला एंगल हो जाएगा आधा दैट इज पाई बाय एन। साथ ही साथ में हमें ये डिस्टेंस चाहिए होती है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए होती है, राइट। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये आधी डिस्टेंस हो जाएगी, तो साइड का आपने आधा कर दिया ए बाय टू, ये एंगल पाई बाय एन है, तो इस डिस्टेंस को अगर अपन एक्स मान लेते हैं, राइट, तो आप आसानी से देख सकते हो कि जो टेन एक्स है वो किसके इक्वल निकल के आ रहा है, ए बाय टू टेन पाई बाय एन, सॉरी एंगल कितना है अपना पाई बाय एन है। तो वो जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके अंदर टेन पाई डिवाइडेड बाय एन किसके इक्वल निकल के आ रहा है, ये एंगल जो है, मैं इसको बड़ा बना देता हूँ डायग्राम को ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। ठीक है, ये आपकी एंथ साइड रही होगी, ये पॉलीगन का सेंटर रहा होगा, इसके ऊपर टोटल एंगल कितना बना होगा 2 पाई बाय एन, फिर उसको आपने आधे आधे में डिवाइड कर लिया होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना बना होगा पाई बाय एन, और ये वाला एंगल भी कितना बना होगा पाई बाय एन, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ए बाय टू, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ए बाय टू, और ये जो डिस्टेंस इसको अपनों ने एक्स मान लिया, तो इस एंगल के लिए मैं टेन रेशियो निकाल रहा हूँ, टेन पाई बाय एन, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो एक्स की वैल्यू आ रही है ए डिवाइडेड बाय टू टेन पाई डिवाइडेड बाय एन। आ रहा है समझ में, यहां तक की बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें सारा का सारा मसाला मिल गया, तो हम एक साइड की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी हो जाएगी एक साइड की वजह से, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट हो जाएगी आई, 4 पाई, डिस्टेंस हो जाएगी ए डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय का मतलब है 2 tan π/n, ये चला जाएगा ऊपर, टाइम्स साइन ऑफ थीटा वन साइन ऑफ थीटा टू दोनों सेम है तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय एन। देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई ए टाइम्स साइन पाई बाय एन टाइम्स टेन पाई बाय एन। अब इसको आप एज अ फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो, ताकि कभी ट्राइंगल के सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे, ठीक है, पेंटागन के सेंटर पे, हेक्सागन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाए तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करो, उसमें एन की बस क्या रखनी पड़ेगी, वैल्यू रखनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या हो जाना चाहिए, करें। अच्छा अभी पूरा नहीं आया, ये एक साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए अपनों को नंबर ऑफ साइड से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का, तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे,
एन टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन पाई बाय एन टेन पाई बाय एन, ये अपना ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द अरेंजमेंट मेड अप ऑफ टू कॉयल्स एज शोन इन फिगर डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो ऐसा कहा गया है कि ये वाली जो कॉयल है, ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बी वन, और वो होनी भी चाहिए अपन अब की बार, क्योंकि कॉयल है ना, तो अपन उंगलियों को तो कॉयल की डायरेक्शन में रखेंगे, अंगूठा बता देगा क्या यार एक्स डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और जो ये वाली कॉयल रखी हुई है इसमें जब अपन करंट लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बी टू। अब ये बी वन और बी टू आपस में परपेंडिकुलर है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जानी चाहिए, अंडर रूट बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर के, कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बी वन की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, आप आसानी से बता सकते हो, म्यू नॉट आई, अपन ए की टर्न वाली मान लेते हैं, ठीक है, एन टर्न्स होती तो बता देता आप लोगों को, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर, आइडेंटिकल है तो बी टू भी कितना हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर, तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू आर का होल स्क्वायर और का होल स्क्वायर, ये टू टाइम्स हो जाएगा तो होल स्क्वायर जो है वो तो बाहर आ जाएगा टू आर टाइम्स, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, इसको आप ये भी लिख सकते हो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय रूट टू टाइम्स, ये आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब भी मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, एट द सेंटर ओ। अब यहां पे क्या करना है हमें, इस सेंटर के ऊपर निकालना है, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क की वजह से होगी, आर्क ही है भाई, लूप नहीं है तो आर्क ही मानेंगे हम इसको, राइट, और एक किस आर्क की वजह से हो जाएगी, इसकी वजह से हो जाएगी, इस स्ट्रेट वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस वायर की लाइन के ऊपर ही आ रहा है, ऐसे इस स्ट्रेट वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि ये इस की लाइन पर ही आ रहा है, तो केवल और केवल दोनों आर्क की वजह से निकाल। अच्छा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, तो अब हम करंट के डायरेक्शन में उंगलियों के कर्ल को रखेंगे, राइट, तो अंगूठा बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्रॉस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और इसकी वजह से भी सेम है, उंगलियों के कर्ल को रखेंगे तो अंगूठा बता देगा क्रॉस डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की वजह से सेम है, इसे मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। अब हम आते हैं हमारे फॉर्मूला के ऊपर, देखो फॉर्मूला क्या कहना चाहता था, फॉर्मूला ये कहना चाहता था कि मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर टाइम्स अल्फा। अब इसमें अल्फा की जो वैल्यू है, और ध्यान रखना अल्फा की वैल्यू अपनों को रेडियंस के अंदर रखनी होती है, तो 90 आपने हटा दिया तो जो बच गया वो कितना बच गया आपका 3 पाई बाय 2 बच गया, तीन बार 90 ले लो ना, 3 टाइम्स पाई बाय 2, तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, इसकी रेडियस कितनी है ए है, टाइम्स अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 पाई बाय 2, प्लस दूसरे वाले की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई बी, और उसकी वजह से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 5 बाय 2 बन रहा है, जो चीजें कॉमन आ रही है बाहर निकाल लेते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 बाहर आ जाएगा, ठीक है, म्यू नॉट बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, 4 इंटू 2 8 बाहर आ गया, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन ए प्लस म्यू नॉट बाहर आई बाहर 4 इंटू 2 8 बाहर केवल और केवल 1 अपॉन ए, इसमें यू भी लिख सकते हो म्यू नॉट आई अपॉन 8 ए बी टाइम्स 3 बी प्लस ए, कुछ ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वायर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क विथ ए स्ट्रेट पोर्शन ए बी, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ओ व्हेन करंट आई फ्लोइंग इन द वायर इज, ठीक है, तो करंट आई फ्लो हो रहा है और आपको इसके ऊपर निकालना है, ये आपका थीटा है, थीटा है मतलब टोटल एंगल कितना हो गया 2 थीटा, तो जो आर्क की वजह से एंगल बना वो कितना हो गया 2 पाई माइनस 2 थीटा हो गया, तो आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, रेडियस कितनी दे रखी है अपनों को स्मॉल आर दे रखी है,
टाइम्स एंगल कितना हो गया आपका, 2 पाई माइनस 2 थीटा हो गया। यहां तक की बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, सबसे पहले तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये आर है और थीटा की तरफ कॉम्पोनेंट है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो 4 पाई टाइम्स डिस्टेंस हो गई आपकी आर कॉस थीटा। यहां तक की बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। टाइम्स साइन ऑफ एंगल वन, साइन ऑफ एंगल टू दोनों सेम है, तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा लिखा जा सकता है ऐसे। तो अल्टीमेटली देखो इसमें भी 2 कॉमन लेके 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर टाइम्स पाई माइनस थीटा बचेगा, और इधर पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 से 4 कैंसिल हो गया, पाई आर मैंने कहा, और साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कितनी आ जाएगी, ये जो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है ये तो कॉमन आ जाएगा, उधर से बचेगा पाई माइनस थीटा और इधर से बचेगा टेन थीटा। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी दिए हुए वायर या उसके किसी भी तरीके के फॉर्म की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। लॉन्ग वायर बेंट एज शोन इन फिगर कैरीज अ करंट आई, इफ द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन इज ए देन फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी। तो इस सेंटर के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो इस सेंटर के लिए ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है जिसके एक एंड के पास में, ये वाला भी इनफाइनाइट लेंथ का जिसके एक एंड के पास में, डिस्टेंस ए है, रेडियस के इक्वल होगी डिस्टेंस ए है। इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर आप वायर को किस डायरेक्शन में रखे हुए, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर रखे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी, जेड डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी। अगर आप अंगूठे को वायर के डायरेक्शन में रखोगे तो उंगलियां कहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे जानी चाहिए। और इसकी वजह से भी सेम काम होगा, अंगूठे को आप रखोगे पॉइंट उधर की तरफ है, तो अंगूठे को रख के आप पॉइंट की तरफ जाओगे तो ये भी कहेगा नीचे जानी चाहिए। तो इसकी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस जेड डायरेक्शन के अंदर होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन निकाल लेते हैं, एक की वजह से निकालते हैं, उसको डबल कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई, ए के इक्वल। पहला एंगल 0 है तो साइन 0, और दूसरा एंगल 90 है तो साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, फॉर्मूला वैसे हमें वैसे भी ध्यान, राइट। तो इसी को हम क्या कर देंगे, डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि ये नेगेटिव जेड डायरेक्शन के अंदर है इसका मतलब है हम वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको माइनस की कैप से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। तो इसको थोड़ा प्यार से लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए टाइम्स माइनस की कैप। यहां तक की बात आ गई समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं इसकी वजह से, लूप की वजह से। अब देखो लूप जो है ना वो जेड वाई प्लेन के अंदर है, तो मैं अगर उंगलियों के कर्ल को करंट की डायरेक्शन में रखता हूं तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर, इनफैक्ट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर होती हुई नजर आएगी। तो जो आर्क है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस हो जाएगी ए, क्योंकि सेमी सर्कुलर है तो एंगल कितना बनेगा, पाए बनेगा, और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो माइनस आई कैप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, पाई से पाई चला गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए के कैप एंड माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 a टाइम्स आई कैप। इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और ए कॉमन आ रहा है, पहले इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे तो इनफैक्ट मैं 4 अगर कॉमन ले लूंगा तो थोड़ा बहुत आसानी से लिख सकते हैं इसको, 2 k कैप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, ठीक है ना।
थोड़ा बस सुंदर बनाने के लिए आंसर को, तो म्यू नॉट ले लिया, आई ले लिया, फोर ले लिया, ए ले लिया, इसको फोर बनाने के लिए टू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको यूं लिख सकते हैं टू के कैप डिवाइडेड बाय फोर पाई, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आ गया, आई आ गया, फोर आ गया, ए आ गया, तो इधर तो बच जाएगा, और पाए भी ले ले तो इसको पाए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपना पाए भी बाहर आ जाएगा, तो फोर पाए ए बाहर आ गया। अब केवल और केवल क्या बचेगा, एक तरफ तो बचेगा पाए टाइम्स आई कैप और एक तरफ बचेगा टू टाइम्स ए कैप। तो हो सकता है अगर ऑप्शंस दिए जाते तो थोड़ा इस फॉर्म में दिया जाता, क्योंकि फाइनल फॉर्म जो होती है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड सी होती है। बाकी आप क्वेश्चन करना सीखो, क्वेश्चन करने में क्या चीज इंपॉर्टेंट नजर आ रही है आपको, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, और क्या चीज इंपॉर्टेंट नजर आ रही है आपको, डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोज अ सर्कुलर लूप विद रेडियस आर, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्क ए बी सी इज 5 ओम एंड दैट ऑफ ए बी सी इज 10 ओम, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली क्या होता है ऐसे केस में, हम आधी आधी करंट भेज देते हैं, बट वो केवल और केवल तब होता है जब वायर का रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म हो, ठीक है, तभी तो ऊपर वाले पोर्शन का और नीचे वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस सेम होगा और करंट आधी आधी हो जाएगी। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ऊपर वाला जो पोर्शन है ए बी सी उसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 5 ओम, और जो ये है ए डी सी उसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 10 ओम। तो करंट को डिवाइड करना सीखा था, आई वन जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, आर टू डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू, अभी अभी सीखा था हमने, कल या परसों ही सीखा था शायद, तो 10 डिवाइडेड बाय 15 टाइम्स टोटल करंट, तो टोटल करंट कितनी है आई, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 आई हो जाएगी। एक तरफ तो करंट कितनी चलेगी 2/3 आई, तो पक्का इधर की तरफ कितनी जाएगी आई टू, कितनी चली जाएगी आपकी 1/3 आई, यानी कि आई बाय 3 आई। निकाल भी लेना फॉर्मूले से भी, 5 डिवाइडेड बाय 15 आएगा, राइट। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्रॉस डायरेक्शन में होगी, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डॉट डायरेक्शन के अंदर होगी, ये चीज ध्यान रख लेना, राइट। तो अपन नेट मैग्नेटिक फील्ड जब निकालेंगे तो अपनों को ये ध्यान देना है कि कौन सी क्रॉस है और कौन सी डॉट है। तो जो क्रॉस डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ज्यादा है ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, और डॉट वाली कम है तो डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें क्रॉस डायरेक्शन में दिखाई देगी, राइट। तो देखो अपन ऐसे लिखेंगे इसको, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क है, करंट हमें पता पड़ चुकी है, रेडियस हमें आर दे दी गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी किसकी वजह से, ए बी सी की वजह से, किस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स करंट आई डिवाइडेड बाय 4 पाए, रेडियस ले लेते हैं अपन आर, और क्योंकि सेमी सर्कल है इसने कितना एंगल बनाया होगा पाए, और किस डायरेक्शन में रही होगी, क्रॉस डायरेक्शन में रही होगी। यहाँ पे आई की जगह हमें क्या रखना है, आई की जगह हमें रखना है 2/3 आई, तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा म्यू नॉट, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई, 2 से 4 कैंसिल हो गया, और 3 और जो 2 बचेगा वो मल्टीप्लाई हो गया 6 आर हो जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन खुद से भी एक बार वेरीफाई करना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 6 आर, 2 से 4 चला गया, 3 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 6 आर, पाई से पाई चला गया, और ये किस डायरेक्शन में होगी, क्रॉस डायरेक्शन में। और अगर ए डी सी की वजह से निकालें तो म्यू नॉट करंट हो जाएगी आई डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, एंगल हो जाएगा पाई, और ये किस डायरेक्शन में हो जाएगी, डॉट, पाई से पाई चला गया, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 12 आर, ये हो जाएगी डॉट डायरेक्शन। अब क्रॉस और डॉट में लड़ाई हो रही है, और आप देख रहे हो कि क्रॉस वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा है, ज्यादा क्यों है, यहाँ पे केवल 6 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे 12 से डिवाइड कर रहे हो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो भी क्रॉस डायरेक्शन में होगी, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो फाइनली बचेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 12 आर, किस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगी, क्रॉस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में सतर्क हो जाना है, ऐसे क्वेश्चन में करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिक्स करने की कोशिश करी जा रही है, और आपको इसके अंदर कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप
विच आर मेड बाय अ कॉन्स्टेंट लेंथ करंट कैरिंग वायर. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, तो लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो आपको पता ही है कितनी होती है, म्यू नॉट आई. रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप विच आर मेड बाय अ कॉन्स्टेंट लेंथ. तो लेंथ कॉन्स्टेंट है तो लेंथ की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे. तो आप 2πr इसको किसकी फॉर्म में लिखो, लेंथ l की फॉर्म में लिखो, तो r आ जाएगा आपका l अपॉन 2πr. आपके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए थी म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2r, और r की जगह आप लिख दो l अपॉन 2πr. 2 से 2 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट i पाई डिवाइडेड बाय l. बस ये चेंज करना है आपको क्योंकि लेंथ जो है ना वो कॉन्स्टेंट है. अगले की वजह से देखते हैं, स्क्वायर की वजह से अगर अपन देखेंगे तो चार साइड्स हो जाएंगी, कुछ इस तरीके का बनेगा. हर साइड कितनी लेंथ की हो जाएगी, l बाय 4, टोटल लेंथ l है वो तो कांस्टेंट है, तो हर साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, l बाय 4. सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 45, ऊपर वाले एंड पर भी और नीचे वाले एंगल भी 45. ये l बाय 8 हो जाएगी, अगर हाफ डिस्टेंस लोगे तो कितनी हो जाएगी, l बाय 8 हो जाएगी. तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपकी, एग्जैक्टली l डिवाइडेड बाय 8. कर लोगे ना ये डिस्टेंस वगैरह तो निकाल ही लोगे आप. ठीक है, भाई 10 45 की वैल्यू 1 होती है उससे भी निकाल सकते हो, और वैसे हाफ डिस्टेंस से भी निकाल सकते हो. तो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट, करंट हो जाएगा i डिवाइडेड बाय 4πr. वायर से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, l डिवाइडेड बाय 8. ध्यान दो, एंगल कितना है, 45 ऊपर 45 नीचे, दोनों ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ साइन 45, यानी कि ट्वाइस ऑफ साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2. ये एक वायर की वजह से, ऐसे कितने वायर हैं आपके, 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 को ऊपर ले जाएंगे अपन, ये हो जाएगा 16 टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स आई. 8 को ऊपर ले जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 म्यू नॉट आई, और नीचे रह जाएगा √2πl. तो आपको रेशियो निकालना था सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप, तो इसका और इसका रेशियो निकालना है, तो बी ऑफ लूप डिवाइडेड बाय बी ऑफ स्क्वायर लूप, तो ये तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय डिवाइडेड बाय एल, और इसको उल्टा कर देते हैं तो √2πl डिवाइडेड बाय 16 म्यू नॉट आई. म्यू नॉट से म्यू नॉट चला गया, आई से आई चला गया, L से L चला गया, जो पाए और पाए है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √2πl स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे बचेगा 16. अगर आंसर इस फॉर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा तो दिख नहीं रहा, तो अपन क्या करेंगे, 16 को लिख सकते हैं 2 × 8, और वो जो 2 होगा उसको √2 से काट देंगे, तो कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, पाए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 × √2. अब आपको ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होता हुआ नजर. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हिम्मत की जरूरत है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा गया है वो करते जाना है, अवेयर रहना है कि लेंथ कांस्टेंट रखनी है, इसलिए हर फॉर्मूले को लेंथ की फॉर्म में रखना है, फिर रेशियो लेना है. थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, बट आप आसानी से कर सकते हो, और इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं नीट के अंदर, राइट, पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई. The ratio of magnetic fields at points which are located at r by 2 and 2r distance away from the axis of the wire is. Solid cylindrical wire of radius r carries a current I. Cylindrical wire है, मतलब thick wire है आपका, right? The ratio of magnetic field at points which are located at r by 2. तो जो r by 2 वाला point है वो तो अंदर होगा, तो अंदर के लिए magnetic field का formula हुआ करता था mu naught I into distance divided by 2πr², ये हुआ करता था. तो हम r की जगह क्या रख देंगे, r divided by 2 रख देंगे, तो अंदर जो होगी वो तो आ जाएगी म्यू नॉट i r divided by 2 2πr², r से r चला गया, और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो म्यू नॉट i divided by 4πr, ये आपकी अंदर वाले पॉइंट के ऊपर आ जाएगी, और बाहर वाले पॉइंट के ऊपर फॉर्मूला हुआ करता था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 बाय सिंपली आर.
बेटा 2 पाई डी वाला जो फॉर्मूला वही है भाई, इनफाइनाइट लेंथ का ले लेते हैं अपन वायर, तो यही वाला फॉर्मूला, डी की जगह मैंने आर लिख दिया और यहाँ पे हमें आर कितना दिया हुआ है, 2R दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2R, जैसे रखेंगे तो अगेन 4 बाय आर। आप देख रहे हो दोनों इक्वल है, तो इन और आउट इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:1, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखना कि कैसे वायर की बात करी गई है और फॉर्मूलाज कौन से अप्लाई करना है। अ सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई, अगेन थिक वायर है, द मैग्नेटिक फील्ड इज 5 माइक्रो टेस्ला एट अ पॉइंट विच इज 2R डिस्टेंस अवे फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि बाहर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट विच इज R बाय 3 डिस्टेंस इनसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर, इनसाइड फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से R बाय 3 अंदर है, ध्यान रखना क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, राइट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायर, इसको ध्यान में रखते हुए अपन करते हैं। सबसे पहले तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर निकाल लेते हैं अपन, हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है, 5 माइक्रो टेस्ला, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी देनी चाहिए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और आर की जगह हम कितना रख देंगे, 2R रख देंगे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। अब देखो अगर आपका ऐसा वायर है और ये जो पॉइंट है ये सरफेस से R बाय 3 डिस्टेंस पर है और ये टोटल जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, R है, ठीक है, रेडियस कितनी दे रखी है, R, तो जो आपके एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R माइनस R बाय 3, दैट इज 2R बाय 3 हो जाएगी। तो इनसाइड वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी म्यू नॉट आई डिस्टेंस 2R बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडियस का स्क्वायर, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 3 पाई, इनफैक्ट R से R भी काट देते हैं तो इसको भी हटा दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 3 पाई आर। इसको अपन क्या करते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये शक्ल जानी पहचानी है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 5 माइक्रो टेस्ला, तो 4/3 टाइम्स 5 माइक्रो टेस्ला यानी कि 20/3 माइक्रो टेस्ला, ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। कर सकते हैं अपन इस तरीके की क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ हॉलो सिलेंड्रिकल वायर कैरीज अ करंट आई हैविंग इनर एंड आउटर रेडाई आर एंड 2R respectively, magnetic field at a point which is 3R by 2 distance away from its axis. तो देखो ऐसा आपको वायर दे रखा है, तो ये अंदर वाला हिस्सा जो है ना वो खोखला है, केवल और केवल ये जो रेडियस है ये आपको दे रखी है R और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू दे रखी है आपको 2R। तो अब इसके अंदर हमें सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, किस पॉइंट के ऊपर, 3R बाय 2 इस पॉइंट के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड निकाली। अब कैसे निकालेंगे, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी है बट अगर अपन तरीका देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले हम इस वाले एरिया से पास होने वाली करंट निकालेंगे, तो आप बोलोगे कि जो टोटल करंट है आई वो कितने एरिया से पास हो रही है, पाई इंटू बड़े वाली रेडियस का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस छोटे वाली रेडियस का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, इतने एरिया से आई करंट पास हो रही है, जबकि आपको कितने एरिया से चाहिए करंट, आपको चाहिए पाई इंटू, मान लो आपकी रेडियस आर ले लेते हैं जनरल पॉइंट की, तो आर स्क्वायर माइनस जो छोटी वाली रेडियस है दैट इज ए स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा तो आपकी जो आई इन है उसकी वैल्यू आ जाएगी आई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एम्पियर्स सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग बी मल्टीप्लाइड बाय डीएल, इसका जो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन इसके अलोंग करेंगे तो बी, और इस लेंथ की जो वैल्यू हो जाएगी, इसकी रेडियस अपन स्मॉल आर ले रहे हैं तो बी मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई स्मॉल आर, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स आई इन, और आई इन की वैल्यू कितनी है, आई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर टाइम्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको एज अ फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो। यहां पे आर क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस है जो कि आपके दोनों रेडियस के बीच में, मतलब जो वायर की बॉडी है उसके अंदर पॉइंट है। तो ये नॉर्मली ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी बाहर वाली रेडियस है और ए अंदर वाली रेडियस है। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट, करंट दे रखा है आई टू पाई, जो स्मॉल आर है हमें डिस्टेंस कितनी पे निकालना है, थ्री आर बाय टू, तो स्मॉल आर की जगह दे रखा है थ्री आर बाय टू। स्मॉल आर के स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस करेंगे तो थ्री आर बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा नाइन बाय फोर आर स्क्वायर। ए का मतलब आर है तो उसका स्क्वायर, बी का मतलब टू आर है यानी कि फोर आर स्क्वायर, ए का मतलब आर है यानी कि आर स्क्वायर। ये टू से टू कट गया तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय थ्री बाय आर, यहां तक की बात तो आगे समझ में। इसको सॉल्व करते हैं तो 9R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर करेंगे, 4R स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो बचेगा 5R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। LCM लेंगे तो 9R स्क्वायर में से 4R स्क्वायर माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और नीचे बचेगा 4 में से 1 चला गया तो 3R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर चला गया, तो आप अल्टीमेटली देखोगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 5 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 36 पाई इंटू आर, ये आपका आंसर आना चाहिए। 5 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 36 पाई आर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला है, ये देखो मैं चाहता हूं कि आप कम से कम फॉर्मूला ध्यान रखो, तो मेरे हिसाब से तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस, राइट। बट अगर आपको थोड़ी सी स्पीड वगैरह बढ़ानी है तो आप इस फॉर्मूला को भी डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो, उसको अप्लाई करके आंसर बना सकते हो, राइट, कर सकते हैं अपन आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी एट इट्स सेंटर इफ इट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड सेम नंबर ऑफ टर्न्स आर वाउंड ऑन वन पार्ट इन डबल लेयर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय न्यू सोलेनॉइड एट इट्स सेंटर। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बी थी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग म्यू नॉट स्मॉल एन टाइम्स आई होने चाहिए। मान लो पहले नंबर ऑफ टर्न्स एन थे और लेंथ एल थी, टाइम्स आई होने चाहिए। अब जो बी डैश है उसमें आपने क्या करा, नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम ही रखे, राइट, आपने दो बार लपेट दिया और क्या है, ठीक है। लेंथ आपने क्या कर दी, हाफ कर दी, एल बाय टू कर दी, टाइम्स करंट आपने सेम फ्लो करी, ठीक है। इफ इट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स यानी कि लेंथ हाफ हो गई, सेम नंबर ऑफ टर्न्स आर वाउंड ऑन वन पार्ट इन डबल लेयर, दो बार लेयर बना के आपने नंबर ऑफ टर्न्स तो उतने के उतने लगे, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द न्यू सोलेनॉइड। यहाँ पे टू जो है वो ऊपर चला जाएगा तो टू टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स एन अपॉन एल टाइम्स आई, ये शक्ल जानी पहचानी है, बी के इक्वल है, twice of B, दुगनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट P ऑफ सोलेनॉइड शोन इन फिगर वेयर टर्न डेंसिटी इज स्मॉल एंड करंट थ्रू इट इज I। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी वो हुआ करती थी म्यू नॉट स्मॉल n I डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2, और ध्यान रखना अपनों को एंगल एक ही तरफ से मेजर करना होता था, तो ये वाला एंगल तो हो जाएगा थीटा 1, तो थीटा 1 की जगह तो अपन रख देंगे कितना 30 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा आपका थीटा 2, तो थीटा 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 180 माइनस 60 करेंगे तो 120 डिग्री, बस इतना से ध्यान रखना थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री से, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट स्मॉल एन आई डिवाइडेड बाय टू कॉस थीटा वन, थीटा वन की जगह तो रख देंगे अपन कॉस 30 डिग्री एंड कॉस थीटा टू यानी कि कॉस 120 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू तो आई गेस सबको पता होगी, स्मॉल एन आई डिवाइडेड बाय टू कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3 डिवाइडेड बाय टू, एंड कॉस 120 को आप लिख सकते हो कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 के इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, ये एलसीएम लेके बाहर आ जाएगा तो 4 हो जाएंगे दोनों और अंदर रह जाएगा रूट 3 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी करंट्स आई सी एंड आई ई रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर. तो फिगर आपको दिखा दिया है. अज्यूमिंग दैट दीज आर प्लेस्ड इन सेम प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द लूप व्हेन सेपरेशन एच इज. कुछ नहीं है, दिखने में थोड़ा सा भयानक लग रहा है क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत ही आसान है. बेसिकली आप इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है, बोर्ड से बाहर निकलते हुए आ रही है. और अगर आप इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखा, उंगलियों का कर्ल कह रहा है कि इस पॉइंट पे बोर्ड के अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए. तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्शन में अपोजिट है. अगर मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी. और तब आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. उसी केस के बारे में बात कर रहे हैं. तो एक लूप की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तो किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट टाइम्स करंट डिवाइडेड बाय टू टाइम्स रेडियस आर. और एक वायर, इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट टाइम्स करंट डिवाइडेड बाय टू पाई टाइम्स ये डिस्टेंस. तो पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, एच दे रखी है. म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा और टू से टू कट जाएगा. एच को आप उधर ले जाओ, बाकी सारी चीजों को इधर ले आओ, तो आई ई टाइम्स आर डिवाइडेड बाय आई सी टाइम्स पाई, ये किसकी वैल्यू हो जानी चाहिए, एच की वैल्यू हो जानी चाहिए. आई ई टाइम्स आर आई सी टाइम्स पाई, ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर मीटर हैज चार्ज क्यू कूलम्ब यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन इट. द रिंग रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड. द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज. देखो इसमें क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया है, आपको बोला गया है कि एक रिंग है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज को क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इस तरीके से स्प्रेड कर दिया गया. अब यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे आपको करंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई. भाई करंट मतलब चार्ज रोटेट करेगा तो बनेगा तो करंट लूप ही, बट आपको उसके बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी. तो आप क्या करोगे, आपका बेसिक जो कंसेप्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो अप्लाई करोगे. आप यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लेके बैठ जाओगे, ठीक है, एक द्वारपाल बैठा दिया आपने. अब आप देखोगे कि यहां से जो ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, ये एक सेकेंड के अंदर एफ टाइम्स क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है. एक सेकेंड के अंदर कितनी बार क्रॉस कर जाता है, एफ टाइम्स. तो आपका टाइम तो कितना हो गया, वन सेकेंड. और आपने नेट चार्ज जो क्रॉस करवाया है इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जहां पर द्वारपाल बैठा रखा है, हो जाएगा क्यू चार्ज एफ बार. ये चमत्कार करता हुआ नजर आएगा. तो टोटल कितना चार्ज क्रॉस कर गया एक सेकेंड के अंदर. तो करंट का आपको पता है कि करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होता है. तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, चार्ज दैट इज क्यू एफ डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज वन सेकेंड, यानी कि क्यू टाइम्स एफ. बस यहीं तक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था. अब तो जब आपको करंट की वैल्यू मिल गई तो फिर मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होती है, म्यू नॉट टाइम्स करंट दैट इज क्यू एफ डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस आर. और रेडियस आपको आर ही दे रखी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा. देखो ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है. राइट, आसान है क्वेश्चन, बट इसमें केवल और केवल दो अलग अलग जगह के कंसेप्ट को मिक्स करने की कोशिश करी गई है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्री आइडेंटिकल लॉन्ग सोलिनॉइड पी क्यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन इन फिगर. इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पी इज टू टेस्ला, वॉट वुड बी द फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यू. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगेन इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया गया है. आइडेंटिकल सोलिनॉइड है, यानी कि जितना रेजिस्टेंस इसका होगा उतना का उतना ही इसका होगा और उतना का उतना ही इसका होगा. तो अगर इसमें करंट आई फ्लो होगी तो पक्का इधर की तरफ करंट चली जाएगी I by 2 और इधर की तरफ करंट चली जाएगी I by 2. P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है B वो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल n टाइम्स I. और Q के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न, सेम है क्योंकि आइडेंटिकल सॉलिनॉइड है, बस करंट कितनी हो गई आपकी I डिवाइडेड बाय 2. ये वैल्यू आपको दे रखी है 2 टेस्ला, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टेस्ला डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 टेस्ला. तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट यूज करने पड़ सकते हैं. राइट, और आप आसानी से कर भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी दिक्कत है नहीं. राइट, तो
ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफी हैं, राइट? और मतलब हमने बेसिकली हर वैरायटी की क्वेश्चंस करने की कोशिश करी है, और आई होप आपको मजा भी आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ यूज में होती है। मतलब आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का ध्यान में रखना पड़ता है, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, फॉर्मूलाज है इतने सारे, बट एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि ये चैप्टर इन कंपैरिजन विद अदर चैप्टर्स जहां पे फिजिक्स के कंसेप्ट्स आपको यूज करने पड़ते हैं, उनके कंपैरिजन में आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि किस तरीके के वायर की वजह से किस तरीके का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस कनेक्ट करना है। मतलब एक तरीके से ये इंजीनियरिंग टाइप की प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पीसेस और हर पीस का काम पता होगा, अब आपको बस उनको कनेक्ट करके एक फाइनल शानदार मशीन, मतलब आपका जो आंसर है वो बनाना है, राइट? तो अगेन इस चैप्टर के ऊपर से आप एक क्वेश्चन, मतलब ये जो वीडियो है, इस वीडियो के ऊपर से आप एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बिलीव मी जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो बहुत ही आसान होगा, बहुत आसान होगा वो क्वेश्चन, राइट? तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस का उपयोग करना है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।